So the very first revision we are starting is of the second book. And from the second book, that is financial man the financial management, we are starting with the chapter financial management. When you started this chapter in the very first, तो हम लोगों ने एक बात कही थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो हमारे पास में बिजनेस के अंदर वी रिक्वायर मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द पर्पस कैन बी एक्वायरिंग अ न्यू प्लांट, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, और फॉर द डे टू डे अफेयर्स. तो दैट मीन्स जब हम मैनेजमेंट वर्ड बोलते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैनेजमेंट, दैट सेस ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस. ऑप्टिमल मतलब सोच समझ कर, नीदर इट शुड बी मोर नॉर इट शुड बी लेस, इट शुड नॉट एक्सीड अवर प्रॉफिट्स. यानी वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंसेस, उनके यूजेस, उनका कॉस्ट, उनसे मतलब कि रिलेटेड रिस्क. दैट मीन्स जो हमारा मेन एम होता है, दैट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कीपिंग द रिस्क एट कंट्रोल, एंड गेटिंग इफेक्टिव. उसको जो है जहां हमें यूज करना है उस जगह पर हम लोगों को जो है उसे प्रॉपरली यूज करना है. इट ऑल्सो एंश्योर्स, ये आपकी वन मार्कर क्वेश्चन है विच आई एम मार्किंग विथ येलो कलर. इट ऑल्सो एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फंड. एक तरफ जब हमें चाहिए उस वक्त हमें हमारे पास पैसा होना चाहिए. एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है, कंपनीज कीप द रिटेन्ड अर्निंग्स एंड व्हेन टाइम कम्स दे डोंट यूज इट, दे दैट अमाउंट और दैट फाइनेंस रिमेन्स आइडल. क्योंकि आइडल फाइनेंस का मतलब क्या हो जाता है, आइडल मनी का मतलब क्या हो जाता है, दैट दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू एनीथिंग, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला. तो सर्टेन टाइम्स वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड एंड वी डू नॉट यूज द मनी विच वी हैव ऑलरेडी देयर. तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए. जब आपके पास है और आप दूसरी जगह से ले रहे हो, दैट इज यू नो फ्यूटाइल. नाउ जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है मैनेजिंग द फंड्स इन थ्री वेज. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करता है, ही हैज टू सी कि जो उसका पहला है कहाँ वो इन्वेस्ट करे, यानी कि कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल. तो कहाँ इन्वेस्ट करना, कितना इन्वेस्ट करना, कितना पैसा चाहिए, देन कहाँ से इन्वेस्ट करे, वेदर ही शुड गो फॉर द बैंक्स, स्टॉक मार्केट, और ही शुड गो फॉर द अदर एरियाज. एंड वेन द प्रॉफिट इज एक्वायर्ड, जब प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हमने कैसे बांटना है, हाउ मच वी हैव टू रिटेन, हाउ मच वी हैव टू गिव एज द डिविडेंड. तो ये जो तीन हमारे मेन डिसीशंस है बेटा, जब आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज दिस इज अ रिविजन सेशन, सो काइंडली अंडरस्टैंड कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट वी कॉल एज डिसीशंस. इसके लिए जो आपका वर्ड आ रहा है, मतलब की वर्ड आ रहा है, वो है डिसीशंस. तो आइडेंटिफाई वन ऑफ द डिसीशन. तो डिसीशन का मतलब हो जाता है इधर इट वुड बी द इन्वेस्टमेंट डिसीशन और द फाइनेंसिंग और द. आप लोग सब स्कूल के अंदर मतलब कि हर जगह पे योर पेरेंट्स आर देयर, यू माइट बी यू नो टॉकिंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वी शुड मतलब एज एन इंडिविजुअल वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स, इन्वेस्ट इन दी रियल एस्टेट. इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, जो हम बाद में कैपिटल बजटिंग में भी पढ़ेंगे. द सेम कंसेप्ट विल बी कमिंग इन द प्लानिंग
प्लानिंग सेशन ऑल्सो, यानी कि जब हमें गाड़ी खरीदनी है अपनी कंपनी के लिए, या फिर नया ब्रांच लेना है, या फिर वी हैव टू टेक सम अदर मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लेना है, तो दीज आर ऑल आपका लॉन्ग टर्म. एंड व्हेन इट कम्स टू द डे टू डे वर्किंग कैपिटल, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये सब आपका आ जाता है शॉर्ट टर्म, यानी कि वर्किंग कैपिटल डे. तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है व्हाट इज द क्वांटम, व्हाट इज द अमाउंट दैट वी रिक्वायर, हमें कितना चाहिए, इसमें कितना चाहिए, उसमें कितना चाहिए, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. इसी का वो पार्ट है, दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. नाउ आपने अपना क्वांटम बना लिया है, यू नो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म एंड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट फॉर योर शॉर्ट टर्म. तो दो नेक्स्ट आ जाता है आपका, वो है फ्रॉम वेयर. हमारा जो फ्रॉम वेयर कहाँ से आना है, तो देर आर टू मेन सोर्सेस. उसी सोर्स को हमने जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके जितने भी हम जहाँ से भी लोन लेते हैं, देन आपका डिबेंचर्स, दे आर ऑल बोरोड फंड्स. मीन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन यू नीड टू रिटर्न इट बैक, यू नीड टू गिव रेगुलर इंटरेस्ट ऑन दैट. एंड सेकेंड इज शेयर होल्डर्स कैपिटल दैट कैन बी, एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स, वो हमारे हो जाते हैं खुद के पैसे. तो देर आर, ऐसा कोई कंपनी नहीं होता जो कंप्लीट शेयर होल्डर में जाएगा या कंप्लीट बोरो में जाएगा, दोनों आपके लिए जो है नुकसान होता है. सो यू नीड टू, व्हेन यू आर पुटिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी फाइनेंसिंग डिसीशन का पार्ट आ जाता है वो जो हमने ईपीएस वाला क्वेश्चन किया है. तो व्हेन वी आर डिजाइडिंग द फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन, तब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, और उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपने डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो बनाते हैं. तो दिस इज अ सेकेंड डिसीजन वी नीड टू टेक. नाउ इन योर पेपर्स द डिसीजन अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस दैट वी रेज फ्रॉम लॉन्ग वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस. थर्ड, आपके पास द मनी हैज कम, प्रॉफिट हैज कम. नाउ यू नीड टू डिसाइड व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ मनी आई नीड टू कीप असाइड. आप अपनी मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, एनी वन हु इज हैंडलिंग द डिसीजन इन योर फैमिली, दे वुड बी टेलिंग दैट दे डोंट, अ वाइज पर्सन वुड नेवर कंप्लीटली सारे पैसा खर्च कभी नहीं करेगा. हम लोग कई जगहों पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, वी टेक द इंश्योरेंस पॉलिसीज, दीज आर ऑल द, मतलब कि हम लोग जो है वी आर ऑल सेविंग दिस, रिटेन कर रहे हैं हम अपने अर्निंग को. सिमिलरली वी हैव द, मतलब कई बार क्या होता है, वी कीप इट इन द बैंक एज रिजर्व. इन दी बिजनेस अ पर्टिकुलर परसेंट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वो कंपनी कैसी है, नई है, पुरानी है, उनका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है, उनको रोज कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, इन सबको देखते हुए वी हैव टू डिसाइड कितना पैसा हम रिटेन कर सकते हैं एंड कितना हम एज अ डिविडेंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग अवर शेयर होल्डर्स. सो दिस इज हाउ द डिसीजंस, थ्री डिसीजंस आर टेकन, थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देर आर टू कंसेप्ट दैट कम्स इन योर पेपर, वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स इन मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जो हम तीन डिसीशंस ले रहे हैं, इन तीनों डिसीशंस से हमारा जो ओवरऑल इक्विटी की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए.
और जब इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो व्हाट हैपेंस द शेयर होल्डर्स, यानी कि द शेयर होल्डर्स आर नॉट द वन हु आर द ओनर्स, एवरीवन हु हैज इन्वेस्टेड, उनके पैसों की कीमत। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, आप लोगों ने सुना तो होगा अपने उसमें, कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग द मनी, सॉरी व्हेन द कम, अभी जैसे शेयर मार्केट्स आती हैं तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, सर्टेन टाइम्स यू विल बी हैविंग दिस कि अब आज जो है इस पर्टिकुलर शेयर की कीमत बढ़ गई है, तो कभी कभी ऐसा आता है कि आपकी जो शेयर की कीमत है वो कम हो जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा द पर्सन, मतलब कि द यू माइट हैव हर्ड कि द पर्सन इज हैज बिकम पॉपर। तो ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ना, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट। अगर ये तीनों डिसीजन को किसी भी कंपनी का जो CFO है, दैट इज अ फाइनेंशियल ऑफिसर, इफ वो प्लस द ग्रुप दे आर केयरफुली मैनेजिंग, देन आपका कहाँ इन्वेस्ट करना, क्योंकि इन्वेस्ट हम वहां से करते हैं जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, देन कितना रिटेन करना है, कितना हमें जो है री इन्वेस्ट करना है, कितना डिवाइड करना है, देन फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक, द कंपनी शुड नॉट गो इन टू लॉस ड्यू टू डेट। अगर ये सारे हम अच्छा सा करते हैं तो व्हाट हैपेंस ओवर द पीरियड, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी रेजेस, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट। एंड व्हेन दीज डिसीजंस, इनका जो डिसीजन है अगर वो गलत पड़ जाता है तो देन इट इज द रिजल्ट इज डिक्लाइन इन द शेयर वैल्यूज। सो दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स। वेल्थ का मतलब वो नहीं है व्हेन वी से दैट इट इज देयर इन द बैंक, द मनी व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड, उसकी जो कीमत है ओवर द पीरियड, दैट शुड बी रेज्ड। अगर हम ये तीन देखते हैं तो यू कैन सी अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड, फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टिंग, यानी कि आपका डिविडेंड। ये आपके वो तीन डिसीशन है, दिस इज आपका फाइनेंसिंग डिसीशन, दिस इज आपका इन्वेस्टमेंट डिसीशन एंड दिस इज आपका डिविडेंड डिसीशन। तो अब देखो, ये एक जनरल एक एग्जाम्पल है दैट सपोज कृष्णा लिमिटेड इज एंजॉइंग अ बायोन डिमांड, बायोन मतलब काफी अच्छा डिमांड है उनका, एंड इट इज प्लानिंग टू सेटअप, दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज कम इन द पेपर। नाउ दे वॉन्ट टू ओपन, ओपन का मतलब क्या हो गया, उनको इन्वेस्ट करना है, एंड देन इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अराउंड 500 crores टू सेटअप एंड अबाउट 50 फॉर वर्किंग कैपिटल। ये उनका जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका जो डिसीशन है, इसमें अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बताया है, दिस इज, इसमें आगे क्वेश्चन है, दिस इज ओनली दैट व्हाट इज द डिसीशन हियर, द फर्स्ट इज दे वॉन्ट टू ओपन। अब ओपन करने के लिए उनको, यानी कि दे नीड द फाइनेंस। तो इसमें दो डिसीजन आएंगे, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो वो सोच रहे हैं, एंड 500 crores को उन्हें कहाँ से लेकर आना है, दैट वुड बी देयर फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ व्हेन वी से फाइनेंसिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल बजटिंग दैट कैन बी रिक्वायर, मतलब कि अक्वायरिंग द एसेट्स, और व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज व्हाई द स्लैश इज देयर, एंड इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। व्हाई? बिकॉज जो हम इसमें पैसा लगाएंगे दैट वुड बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एंड द जो हम उससे पैसा हमें वापस मिलेगा दैट वुड ऑल्सो बी ऑन अ लॉन्गर पीरियड, लाइक एक्वायरिंग एसेट्स, ओपनिंग ब्रांच, एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लाइन जब हमें लॉन्च करना है, नए टेक्निक्स हमने लेने हैं, या R&D पर हमें खर्च करना है, तो दिस मनी वुड बी, यू कैन से परमानेंटली इन्वेस्टेड के भी कह सकते हो और लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो, दैट इज वन।
Now, why they are important? Because as I already have told कि ये हमारा परमानेंट है, लॉन्ग टर्म है, और इसमें हम जब एक प्लांट एंड मशीनरी करना है, एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना है, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट, द क्वांटम ऑफ फाइनेंस यू रिक्वायर. एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर थिंकिंग ऑन अ न्यू वे, द रिस्क भी आपका ज्यादा होगा. एंड दीज डिसीशंस आर इरिवर्सिबल. आपने इतना पैसा लगाया है तो उतना पैसा आपका लॉस जाएगा. सो वी हैव टू इंश्योर कि हम अपना जो ये लगा रहे हैं पैसा, जो कैपिटल पे लगा रहे हैं, दे शुड हैव प्रॉपर आउटकम्स. तो क्या क्या है? ये है वो आउटकम्स जिनको हम फैक्टर्स के नाम से जानते हैं. द रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर. कि आप इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेशन आपके पेपर में आता नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि एक रिटर्न आपका आ रहा है प्रोजेक्ट में 10, दूसरे में 12, तो कौन सा फीजिबल है? तो डेफिनेटली 12 वाला. बट ऑन द अदर हैंड आपको ये भी देखना है कि वो जो 10 और 12 के बीच में जो रिस्क फैक्टर है वो किसमें ज्यादा है. इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू गो फॉर 12. समटाइम अगर आपका 12 वाले में रिस्क ज्यादा है तो यू शुड गो फॉर 10. देन जब आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे तो वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आपको चाहिए, मीन्स कैश रिसीव, द पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो दैट हैज टू बी एनालाइज. देन वॉट विल बी द इन्वेस्टमेंट क्राइटीरिया, ये आपका होगा कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब देयर वुड बी नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आप इन क्राइटेरिया को इन्वेस्ट वो करोगे. एंड वंस यू हैव टेकन ऑल दीज टुगेदर, देन आपको देखना है 10 वाला बेटर है या 12 वाला बेटर है. एज आई सेड इट इज नॉट ऑलवेज कि हाँ, ये ओवरऑल में अगर हम देखते हैं, मतलब अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है उसमें हम ये सब चीजें नहीं देखेंगे. उसमें तो हम सिर्फ ये रखेंगे, एक में हमें 10% मिल रहा है, दूसरे में 12 मिल रहा है, तो कौन सा बेटर है? तो नेचुरल है कि 12. वो तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ द सेकेंड डिसीजन इज हाउ टू गेट दिस मनी. अब हमें क्वांटम पता लग गया है, हमें ये भी पता लग गया कि हमें वो किस पर्पस के लिए चाहिए, कितने, मतलब कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग तो दे आर गोइंग टू बी परमानेंट, तो व्हाट शुड बी द अमाउंट, ये सब हमने निकाल लिया है. हमने ये भी सेलेक्ट कर लिया कि हमने किस में इन्वेस्ट करना है. नाउ सेलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, नाउ फाइनेंसिंग इज देयर, यानी कि डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी. नो कंपनी विल गो फॉर कंप्लीट डेट, नो कंपनी विल गो फॉर कंप्लीट इक्विटी. सो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लेंडर्स ऑन डेट विद द रिस्क. एंड इक्विटी का मतलब है आपके जो शेयर्स हैं उन पर हमारे को कितना वापस मिलेगा. सर्टेन टाइम्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये वाला जो दो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सर्टेन टाइम्स कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन इक्विटी. क्यों? क्योंकि लेंडर का जो रिस्क होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से कम होता है. कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर्स डूबे, एंड लेंडर नहीं डूबेगा. क्यों? क्योंकि ही विल बी गेटिंग फिक्स्ड रिटर्न यानी इंटरेस्ट, एंड हिज अमाउंट इज सेफ बिकॉज ही विल बी गेटिंग इट बैक ऑन मेच्योरिटी. मोर ओवर कंपनी के लिए व्हेन द कंपनी इज टेकिंग डेट तो उसके लिए टैक्स का एक बेनिफिट होता है. दिस इज बिकॉज टैक्स आपका नहीं लगता है ऑन एनी लोन, ऑन एनी डेट. बट डेट इज चीपर बट इट इज रिस्की ऑल्सो. इफ द कंपनी इज नॉट इंश्योरिंग, इट इज नॉट गेटिंग कैश फ्लो, तो इंटरेस्ट को कैसे वापस करेगी? एंड
ओवर अ पीरियड, अब हम सोचते हैं कि हमें 2 साल से रिटर्न आना शुरू हो जाता है, बट सर्टेन टाइम्स इट इज नॉट 2 ईयर्स, इट मे बी 3 ईयर्स, बट आपको वापस करना आफ्टर 2 ईयर्स, देन द कमिटमेंट्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज, और आपको इसके लिए अपने फैक्टर्स को देखना पड़ेगा. ये वाला जो ऊपर बॉक्स में बनाना, दिस केम इन द एग्जाम वंस और ट्वाइस इन फैक्ट. सम पीपल बिलीव रिटेन अर्निंग इज चीपेस्ट सोर्स, क्योंकि वो हमारे पास में है. द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स. इफ अर्निंग्स आर नॉट रिटेन्ड, दे वुड बी पेड टू इक्विटी शेयर्स एज डिविडेंड. अगर हम रिटेन नहीं करें तो हम क्या करेंगे, उसे हम दे देंगे. दस द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मस्ट बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम डिविडेंड को कम करके रिटेन कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम कॉस्ट को तो इन्वॉल्व कर रहे हैं ना. सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स फोरगो डिविडेंड, दे आर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो, जब वो 100, अगर मान लो एक कंपनी ने मतलब कि 10% प्रॉफिट दिया, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है सिर्फ 5%, तो ये जो 5% उन्होंने रिटेन किया है, शेयर होल्डर्स यही तो चाहेंगे कि ओवर अ पीरियड उनकी इक्विटी शेयर की वैल्यू और बढ़ जाए. सो दैट इज व्हाई सम पीपल थिंक दैट रिटेन्ड अर्निंग इज बेटर, बट इट इज डेप्ट, क्योंकि डेप्ट में आपका रिस्क आफ्टर अ पीरियड कम हो जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर पुल अप कर लेंगे, अगर आपके शेयर्स को मार्केट में शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो देन द ओवरऑल कंपनीज वैल्यू ऑल्सो डिक्रीज. ये पेपर में एक बार आया था. नाउ एज वी सेट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो व्हाट आर द वन, कैश फ्लो. फाइनेंस का मतलब क्या है, यू हैव टू गेट द मनी. तो अगर आप डेप्ट ले रहे हो, तो डेप्ट का मतलब क्या होगा, यू नीड टू पे द इंटरेस्ट. वेदर यू आर हैविंग द मनी और नॉट, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. देन वाइल यू आर टेकिंग द डेप्ट, तो डेफिनेटली आपको ये भी देखना कि रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सैलरी, ये सब भी देखना है. तो डेप्ट अगर आप लेते हो, तो क्या आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाते हो. देन द कॉस्ट, सम सोर्सेज मे बी चीपर देन अदर्स, क्योंकि टैक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. द रिस्क इन्वॉल्व विथ ईच, बट इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी शेयर्स, तो देन यू नीड टू हैव द फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हमने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था, ब्रिज फाइनेंसिंग. आपके पास वो चीजें हैं, आर यू एबल टू गेट दोज मनी. कंपनी इतनी क्रेडिट वर्दी है कि वो पैसा निकाल लेगी, क्योंकि उतना पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब कि शेयर, आप उसके बाद आपको जो है एक्सपेक्ट करना है दैट द शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू बाय द शेयर फ्रॉम योर कंपनी, यानी कि कितना रिस्क है आप ये देखो. आपने फ्लोटेशन क्लॉज भी कर दिया, उसके बाद आपके शेयर्स अगर मार्केट में नहीं बिके तो क्या होगा. इट हैज हैपेंड. कंट्रोल डेप्ट में यू डोंट नीड टू डाइल्यूट द कंट्रोल, एंड वेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर, दे मे नॉट लाइक द आइडिया. कैपिटल मार्केट इन द रिसेशन पीरियड, इन द डाउनवर्ड पीरियड, शेयर्स आपके नहीं बिकते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है. तो एक साथ आपको इन सब फैक्टर्स को देखकर देन यू हैव टू डिसाइड द बेस्ट. डिविडेंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज डिविडेंड. तो डिविडेंड हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन कर रहे हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, यानी कि उसी प्रॉफिट को किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. तो बाकी जो बच गया, दैट वी देन वी पे द टैक्स. Once you have got the profit, we pay the tax, we retain the amount, and then we have to decide कि कितना amount हमें अपने shareholders को देना है. तो पहले हमें देखना है कि हमारा current और past earning कैसा है, और उसको उससे हम analyze करते हैं हमारी stability कैसी है over the period of
यू कैन सेव 5 to 6 quarters. हम देखते हैं 3 3 महीने के क्वार्टर में हम लगाकर देखते हैं व्हाट हैज बीन द स्टेबिलिटी. देन सर्टेन टाइम्स द कंपनीज पॉलिसी मे बी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. वो लोग सोचते हैं कि ओवर अ पीरियड हम सिर्फ इतना ही देंगे, रिटेन करेंगे, एंड देन वंस द कंपनी इज सेटल्ड एंड दे मे स्टार्ट गिविंग अ हायर डिविडेंड. देन दोज कंपनी जिनको चाहिए गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम में, वो हो सकता है कि अपने मनी को रिटेन करें एंड देन पे द स्मॉलर, क्योंकि दे नीड मनी. और इमीडिएटली एक नई कंपनी या फिर एक कंपनी जो ग्रो करना चाह रही है वो इमीडिएटली मनी को प्रोक्यूर नहीं कर सकती है मार्केट से. कैश फ्लो, यू नीड टू हैव इनफ फ्लो, क्योंकि आपका करंट से देता है. तो इस वक्त में आपका हर साल आपका कैसा कैश फ्लो है दैट हैज टू बी सीन. देन द शेयर होल्डर्स, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अ गुड डिविडेंड मीन्स अ गुड कंपनी. हमारे लिए तो वही है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन सर्टेन कंपनीज में easily get the finance from the capital markets through loan, through debentures, through shares. कुछ companies को नहीं होगा because the companies have to go through long procedure. So how is your capital market access? मतलब आपको पैसा आप अगर चाहते हो तो क्या आपको मिल जाएगा within the period? Legal constraint, certain provisions of the company act डिविडेंड देने पर थोड़ा सा डालता है. दैट इज बिकॉज द कंपनी इन द मतलब की जो है अकॉर्डिंग टू 2013 द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एक्सीड द एवरेज ऑफ रेट्स डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इन 3 preceding ईयर एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. तो उस रेस्ट्रिक्शन सर्टेन टाइम्स इफ द कंपनी हैज टेकन लोन एंड लोन लेते हुए सम कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट डाला था, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, दैट हैज टू बी सीन. तो ये थे हमें कैसे अपनी कंपनी को मैनेज करना जिससे कि हम अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं. तो अब इसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. एंड प्लानिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्लान करो कि वो जो हमने मैनेज करने के लिए जो हमने डिसीशन रखे हुए हैं उनमें उन पर कोई असर ना हो. वी आर गेटिंग द मनी वेन वी रिक्वायर. क्योंकि आपने कैपिटल बजटिंग बोला है तो आपको हायर स्केल में मनी चाहिए. एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग आपको जो है फोरटेल करेगा, यानी कि आगे का बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ सकती है. प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ा था, द सेम प्लानिंग ही इन फाइनेंस. एस्टिमेट करना एंड देन स्पेकुलेट करके वी हैव टू अंडरस्टैंड कितना मतलब कि हमें पैसा जो है वेन एवर वी आर नीडिंग इट इज देयर एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट लाइंग आइडल. तो ये दोनों को देखकर हमें प्लान करना पड़ता है. यू हैव टू प्लान एंड दैट फॉर दैट यू नीड टू जो हमारा वो स्टेप था ना पहले, हमें जो है फर्स्ट स्टेप इज टू फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देन डेवलपिंग द प्रमिसेस, देन एनालाइजिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव, टेकिंग द सूटेबल वन और फिर उसको फॉलो अप करना. वो चीज यानी आपको जो है पहले आपको प्रेडिक्ट करना है व्हाट यू रिक्वायर. आपको ब्लूप्रिंट करना है मतलब कि यू हैव टू सी व्हाट इज द ब्लूप्रिंट, व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस. एंड देन सेकेंड इज डेवलपिंग द प्रोमिसेस. तो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड देन आपको उन ऑल्टरनेटिव्स को जो है यू नीड टू एनालाइज वन बाय वन, सबके प्लस माइनस को एनालाइज करना है एंड देन टेक गो फॉर द बेस्ट.
दिस इज बिकॉज दिस इज डिपेंडिंग फॉर दिस इज फॉर द फ्यूचर. सेम कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए कैपिटल फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होगा दैट्स ऑल बजट, उसको हम बजट बोलते हैं. पहले आप क्या करोगे, पहले आप सेल्स फॉरकास्ट करोगे, यानी कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द लाइकली अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट, एंड देन यू विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपका जो है फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, इन सब चीजों को जो हो आप. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने सेकेंड उसमें देखा था इन्वेस्टमेंट में, कि हमारा कैपिटल, हमें ये तो पता है कि हमें कैपिटल चाहिए, हमें ये भी पता है कि हमें इतना इन्वेस्ट करना है इस कैपिटल में, वी नो दैट वी नीड टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी इन कैपिटल एज कैपिटल, बट उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग इज इंटरलिंक्ड. जितना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना ही आपको कैपिटल अरेंज करना है, दैट मीन्स डेट एंड इक्विटी का जो आपका रेशियो है, और इसको हम लोग जो है वी कैलकुलेट एज फाइनेंशियल लेवरेज. आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन और आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है द मतलब कि आपको जो फायदा मिलेगा इफ यू आर टेकिंग मोर डेट और इफ यू आर रेजिंग मोर कैपिटल, वॉट विल बी द फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस वेन द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट बट फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज. तो आपको देखना है कि आपको कितना डेट अपने कैपिटल में रखना चाहिए. अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो उसमें कितना अमाउंट आपका खुद का होना चाहिए और कितना आप अपने फ्रेंड से कर्जा ले सकते हैं, एंड उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ईबी मतलब कि ईपीएस का एनालाइज करते हैं. यानी हम देखते हैं कि अगर हम डेट लेने से हमारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, तो देन वी गो फॉर डेट. तो दिस इज द इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. और जब ये वर्ड आता है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आपका वो आया तो 1 मार्केट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब ये वाला, उसमें आपको 2 या 3 सिचुएशंस दिए जाते हैं. जैसे आपका ईबीआईटी का मतलब है द अर्निंग द कंपनी हैज गॉट बिफोर इट हैज पेड इट्स इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि वो सबसे पहला आपका पड़ाव है. तो तीनों सिचुएशन में वी हैव गॉट द सेम अमाउंट. पहले वाले ने कोई लोन नहीं लिया है पहले सिचुएशन में, दूसरे में हमने लोन लिया था जिसमें हमें 1 लाख एज इंटरेस्ट देना था, दूसरे में तीसरे में 2 लाख देना था. तो अब हमारे पास में इसने तो कुछ लिया नहीं है इसलिए सेम इनकम है, यहाँ इन्होंने 1 लाख ले लिया है इसलिए 3 लाख है, यहाँ 2 लाख ले लिया है इसलिए 2 लाख है. नाउ वी हैव टू पे द टैक्स ऑन दिस अमाउंट, 4 लाख पर 30%, 1,20,000, 3 लाख पर 30%, 90,000, 2 लाख पर 60,000. अगर आप देखोगे तो यहाँ टैक्स ज्यादा दिया है, यहाँ कम दिया है और यहाँ सबसे कम दिया है. अब हमारे पास आ गया है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब हमने टैक्स दे दिया है, इंटरेस्ट भी दे दिया है, यहाँ हमारे पास बच गया है 2,80,000, यहाँ हमारे पास 2,10,000, यहाँ पर 1,40,000. अब नॉर्मली शेयर्स अगर आपके पास जो भी शेयर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 10 लाख जो भी हमारा कैपिटल था, ये है कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स. 30 लाख का कैपिटल था, तो अगर आपके पास शेयर की वैल्यू नहीं दी है, नॉर्मली नहीं देते हैं, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 लाख शेयर्स. यहाँ पर हमारे पास 30 लाख में 10 लाख हमने लोन लिया है, तो
तो 20 लाख हमारा ओरिजिनल कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है। तो 2 लाख यानी कि 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ हमने 2 लाख मतलब कि 20 लाख लोन लिया है और 10 लाख अपना लगाया है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 1 लाख शेयर्स, क्योंकि जो लोन कैपिटल है उसको हम शेयर्स में नहीं देते। यहाँ हमारी अर्निंग आई है 93 पैसा, यहाँ हमारी आई है 1 रुपए 5 पैसे, और यहाँ 1 रुपए 40 पैसे, यानी कि दिस इज द मोस्ट फीजिबल वन। एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द ROI, मतलब ROI को आप निकालना चाहते हो, तो ये आपका है जो भी आपका EBIT था उससे हम टोटल शेयर वैल्यू को डिवाइड करते हैं इनटू 100, तो 13.33% हमारा ROI रहा है। ये निकालने को नहीं आता है, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते। सो यहाँ हमारा जो है फेवरेबल है, बिकॉज इफ वी आर टेकिंग द लोन तो ओवर अ पीरियड हमारा जो EBI मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ जाती। इस वाले में हमारा जो है इट इज अनफेवरेबल, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। नाउ व्हाई व्हाट आर द चॉइस, अब ये नहीं कि सिर्फ EBIT देख लिया तो हमने कर दिया, नो नॉट एट ऑल। सिर्फ EPS इज नॉट द ओनली फैक्टर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रिस्क, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट तो आपने पे कर दिया ना, बाकी आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनको किसने देखना है, वो भी तो आपको ऐड करना। देन कॉस्ट ऑफ डेट, आपने डेट कहाँ से उठाया है, कितने परसेंटेज पे उठाया है, दैट हैज टू बी सीन। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो सर्टेन टाइम्स हम डेट को यूज करते हैं, अगर टैक्स रेट ऑन द अदर हैंड लेस है और मतलब कि हमारे लिए फीजिबल है तो देन वी गो फॉर सिंपल इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है 10% एंड टैक्स रेट इज 30%, आप खुद देखो कितना मुश्किल हो जाता है। 10% बोरोविंग है, टैक्स रेट 30% है, तो अर्निंग बिफोर हमारा उन्होंने दिया 40,000 आपका अर्निंग है, और हमने 10,000 रुपये जो है वो दे दिया है एज इंटरेस्ट 10% पर, तो 30,000 हमारा EBT है। तो हम क्या करते हैं, हम टैक्स को कैलकुलेट करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द नेट पेएबल। तो अगर हमारा टैक्स हमें लगता है कि हमें फायदा दे रहा है तो वी गो विथ इक्विटी, वी डोंट गो फॉर एनी डेट, और अगर हमें लगता है कि टैक्स से हमें नुकसान हो रहा है तो फिर हम डेट का जो प्रोपोर्शन है वो रखते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू कम, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल कैश फ्लो, क्योंकि आपको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए हमेशा पैसों की जरूरत होती है, और अगर आप डेट लेते हो तो देन यू नीड टू रीपे द डेट ऑल्सो एंड यू ऑल्सो नीड टू पे द टैक्सेस ऑल्सो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, देन आपका ओवरऑल यू कैन नॉट यूज द इक्विटी सॉरी द डेट बियॉन्ड अ पॉइंट। हर कंपनी का एक सेबी जो है इट गिव्स अ कंट्रोल कि इससे ज्यादा आप इक्विटी इससे ज्यादा आप शेयर नहीं हो सकते सॉरी डेट नहीं ले सकते, वो भी आपको देखना है। देन आर यू एबल टू गेट द फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई एंड रेजिंग फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। कंट्रोल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम आपका इसमें भी आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कीप इट, क्योंकि एक बार अगर आपने इक्विटी डाल दिया ना तो देन आप वापस नहीं ले सकते हो, तो देन द कंपनी का कंट्रोल कम कम हो जाएगा। ICR कैलकुलेट करते हैं, ICR कैसे क्या मतलब क्या होता बच्चा, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द EBIT कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय इंटरेस्ट
एंड देन हम देखते हैं ओवर अ पीरियड हमारा जो रेशियो है वो कितना है. देन डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका वन मार्कर में आपको एक्सप्लेनेशन आता है, इसको मतलब एज अ सम नहीं आता है, इट डजंट कम एज अ न्यूमेरिकल. आपका ईबीआई, आपका ईएटी, आपका इंटरेस्ट, आपके मतलब कि अदर एक्सपेंसेस जिसमें आपको कैश की जरूरत नहीं है, देन आप डिविडेंड कितना देने वाले हो, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इनसे हम डेट सर्विस यानी कि जो हम कर्जा ले रहे हैं उसके लिए जो हम मतलब कि सर्विस वो कर रहे हैं, मतलब ये आईसीआर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अगर अच्छा डेट वापस देने का हमारे पास ऑप्शन है तो वी कैन गो फॉर द डेट कॉम्पोनेंट. स्टॉक मार्केट कंडीशंस ऑलरेडी आई हैव सेड देयर इज बुलिश पीरियड, अगर अच्छा पीरियड है तो यू कैन रेज अ कैपिटल इमीडिएटली, बट बियरिश है तो यू मे नॉट बी. देन यू ऑल्सो वेन यू आर जो कैप जो मतलब कि आपका जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट वॉट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज सेबी, कंपनी एक्ट, इनके क्या नॉर्म्स हैं. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वी हैव टू काइंड ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म. तो इन द लॉन्ग टर्म यानी जब आप प्लांट मशीनरी ला रहे हो सेम आपके ऊपर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसका आधा इसमें भी आएगा. तो ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए. इन्वेस्टमेंट वो था आपका फाइनेंसिंग, और ये है कि इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट आप जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया था ये उसका पार्ट है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें प्लान करना है, समझ आ रहा है. इन्वेस्ट वो था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें कितना किसमें करना है, किसमें कितना करना है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड उसके लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ये देखना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है. इफ योर कंपनी सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपका लो इन्वेस्टमेंट है. If your company is going on manufacturing large acquisition, then you require more. Then, if your company is working on a large space, bigger plant, बहुत बड़े बड़े आपके पास मशीनें हैं तो आपका ज्यादा. Then, if you are going for the labor, तो हमेशा थोड़ा कम होता. Whereas if you are going for sophisticated, what you call as machines, तो आपका investment ज्यादा रहेगा. Technology upgradation, if your industries जहां जैसे computers होते हैं वहां पर they become obsolete, मतलब वो थोड़े time बाद हमें उन्हें change करना पड़ता, तो उनका fixed requirement over the period ज्यादा रहता है. तो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो जब उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा. इफ योर कंपनी इज इन अ ग्रोइंग स्टेज देन हमने कहा था कि वो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखता है, तो देन मे बी जब ग्रोथ उनको चाहिए तो रिटेन अर्निंग क्यों रख रहा है, क्योंकि उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है इन अ लॉन्गर टर्म. अगर आप अपनी कंपनी में सिर्फ अभी यू आर ओनली मैन्युफैक्चरिंग वन और टू प्रोडक्ट्स एंड यू वांट टू डाइवर्सिफाई टू 3, 4, 5, 6, देन यू रिक्वायर मोर. द ऑल्टरनेटिव्स दैट यू गेट, अगर आप फिक्स्ड इन ले रहे हो, मशीनें आप लीज पर ले रहे हो और ओवर द पीरियड जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि जो लीज में आप पैसा दे रहे हो That is less than अगर आप उसे परचेज करते हो, तो हो सकता है कि आप यू मे गो फॉर लीज अग्रीमेंट, क्योंकि देर आर सर्टन मशीनरीज, देर आर सर्टन
इन्वेस्टमेंट जहां हम लीज में ले सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि 2 साल बाद जब वो मशीन हमारी ऑब्सोलीट हो जाती है ना, तो हमारे लिए नुकसान नहीं होता। देन इफ यू आर कोलाबोरेटिंग, मतलब दिस इज फॉर द लैंड, एक जगह को 2 जने अगर यूज कर रहे हैं तो उसका जो मेंटेनेंस है वो भी आपका 2 जनों में बट जाता है, लाइक कोलाबोरेशन विद द एटीएम्स। वर्किंग कैपिटल यानी कि द वन विच वी रिक्वायर फॉर द स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस। इसमें आपके पेपर में आता है व्हाट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मतलब जो कैश आपको मिलेगा, द अमाउंट विच यू विल बी एबल टू प्रोक्यूर, एंड लायबिलिटीज आर जो 1 साल के अंदर आपको देना है, जैसे आप क्रेडिटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बिल्स, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। नाउ व्हेन आप जो हो करंट एसेट्स, कभी हम लोग जो है कभी कभी हम करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म सोर्सेस में भी लेते हैं, जो हमने मार्केट में पढ़ा है, जैसे कमर्शियल बिल, ये हमारे जो है वी कैन यूज इट। बट ओवरऑल वर्किंग कैपिटल, अगेन अगर आपका जो है रॉ मटेरियल ऐसा है जिसमें आपको लेस अमाउंट डालना पड़ता है, या फिर आपका ट्रेडिंग है जिसमें यू डोंट नीड टू यू नो पुट वर्किंग कैपिटल मोर, देन आपका वर्किंग कैपिटल की कैश इन हैंड को आप थोड़ा कम रख सकते हो। बट इफ यू हैव टू बाय द रॉ मटेरियल्स, आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री भी रखनी है, ट्रांसपोर्ट भी रखना है, वेयर हाउसिंग भी रखना है, देन यू विल रिक्वायर मोर। अगर आपकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है, तो आपका लेस होता है क्योंकि आपको जो है इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। स्केल ऑफ ऑपरेशंस द सेम जो हमने उसका पढ़ा है, यानी अगर आपका कम प्रोडक्शन है तो आपका लेस अमाउंट जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा जाएगा। बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है जब आपको, अभी जैसे शादियों का सीजन है, तो इस वक्त में जो भी इससे रिलेटेड है, चाहे वो केटरिंग हो, चाहे वो आपका मतलब कि बैंक्वेट हॉल हो, या फिर मैरिज के लिए जो हमें कपड़े चाहिए होते हैं, तो जब हमारा बूम पीरियड होता है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है। बट यही कंपनीज नॉर्मल में इनको कम जरूरत पड़ती। देन सीजनल, कुछ ये सब सभी कंपनीज के लिए दे आर नॉट अप्लीकेबल। सीजनल का मतलब है वो कंपनीज जो सीजनली ऑपरेट करती, लाइक अगर हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं तो इस वक्त में कोल्ड ड्रिंक हम कम पीते हैं, सूप ज्यादा पीते हैं, तो नेचुरल है कि जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, उन्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस वक्त कम पड़ती है, या फिर इफ दे आर हैविंग बोथ ऑफ देम तो उनको कोल्ड ड्रिंक में कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ ज्यादा पड़ेगी। देन आपका सामान बनकर आने में कितना टाइम लगता है, आपके जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं उनको बनने में जल्दी हो जाते हैं, वेरस मोटर कार ये आपका जो है लॉन्गर पीरियड है, इनका कंपोनेंट को असेंबल करके उनको कार में तब्दील मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने में भी नीड मोर, तो उतना टाइम यू नीड टू हैव द वर्किंग कैपिटल। सो शॉर्टर द प्रोडक्शन साइकिल, लोअर द वर्किंग कैपिटल, लॉन्गर द प्रोडक्शन साइकिल हायर, क्योंकि आपको पैसा रखना है उस दौरान जब तक वो सामान बिक बिक नहीं जाता है, तब तक आपको जो है यू हैव टू मेंटेन ऑल योर डे टू डे अफेयर्स। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, मेरा नुकसान दूसरे का फायदा, दिस इज अ यू नो सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। देन व्हाट इज द क्रेडिट अलाउड, कई बार कंपनीज दे ओनली गो फॉर कैश ऑन, तो दिस डिपेंड्स ऑन कि कैसा आपका मतलब आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अगर रख रहे हो, मतलब आप अपने सब मतलब कि वेंडर्स के लिए, देन यू रिक्वायर मोर।
सिमिलरली आपका वेंडर, आपका सप्लायर अगर आपको लॉन्ग टाइम पर क्रेडिट दे रहा है जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, चार्जेस नहीं है, तो यू मे होल्ड द कैश. अगर रॉ मटेरियल्स आपके रेगुलरली अवेलेबल है, लीड टाइम का मतलब होता है ऑर्डर आकर उसको फिर रॉ मटेरियल को लेकर आना. तो अगर आपको रॉ मटेरियल्स इमीडिएटली अवेलेबल है तो देन यू कैन गो फॉर, मतलब आप कैश इन हैंड आपको जो है, और जितना आपको जो है रॉ मटेरियल को होल्ड करना पड़ेगा देन आपको जो है लार्जर अमाउंट आपको जरूरत पड़ती है. ग्रोथ, इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो, इफ इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, इट वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इट्स सेल्स टारगेट, इट विल रिक्वायर मोर. इन्फ्लेशन जब राइज होता है तो हम लोगों ने कंट्रोलिंग में देखा था MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो वही जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर भी आता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसका असर हमारे ओवरऑल कॉस्ट पर पड़ेगा तो देन वी मे रिक्वायर मोर. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन था, दैट मींस एफिशिएंसी इन मैनेजिंग द रॉ मटेरियल, ये ना पेपर में आया हुआ है. मींस इफ द कंपनी इज एफिशिएंट टू मैनेज द रॉ मटेरियल देन आपका जो बिल रिसीवेबल है और बिल आपका पेएबल है उनके बीच का जो टाइम वो है, बेटर सेल्स एफर्ट है आपके सो दैट आपका जो प्रोडक्शन बनने के बाद बिकने का जो साइकिल होता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल वो कम हो जाता है, तो देन यू रिक्वायर लो वर्किंग कैपिटल. एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ कंपनी व्हाइल दे आर मैनेजिंग देयर फंड्स. सो दिस इज हाउ वी, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है. कैश सेल्स तो आपके पास पैसा हमेशा रहता है और क्रेडिट सेल्स रहेगा तो नेचुरल है कि आपको थोड़ा धीरे धीरे पैसा मिलेगा. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जो है दे डिसाइड कि हाउ द कंपनी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड ऑन अ लॉन्गर रन. एंड इसी लॉन्गर रन को हम दोनों चीजों से बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना हमें मैनेज करना है एंड देन वी गो टू द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. उस मैनेजमेंट को हमने कैसे बेटर रखना है उसके लिए हम प्लान करके चलते हैं. प्लानिंग हमारा धीरे धीरे चलता है, मैनेज करने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना देते हैं. देन प्लानिंग इज अ ब्लू प्रिंट, जैसे आपको अपने उसमें पेपर में ब्लू प्रिंट मिलता है, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, उसकी इतनी वेटेज रहती है, उस तरीके से हम एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं. एंड When once a finance manager goes through the entire, then he plans ahead and then we manage, जिससे हमारे दोनों objectives, हमारा overall equity share की जो value है वो भी बढ़ जाती है and जो हमारा second financial planning का जो objective है, यानी कि पैसा हमेशा हाथ में भी रहता है, at the same time it doesn't lie idle. That is the entire chapter, financial management.